लेकिन उससे पहले मैंने एक काम करना शुरू कर दिया था जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली फ्यूचर में, और वो ये है कि मैं जब किम्स में था ना शुरू, आपको मैं जैसे बता चुका हूँ पहले कि मेरा एक शुरू में भी टाइम था जब मैं गया, फिर मैंने छोड़ दिया था कॉलेज, फिर दोबारा से गया था। तो क्या कहते हैं, वहां पे ना एक लाइब्रेरी में एक बुक थी और उस बुक का नाम है यूनिवर्सिटी फिजिक्स। यूनिवर्सिटी ओके फिजिक्स जो है ना वो एक अच्छा, ज्यादातर जो हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है हेलिडरेसनिक क्रेन, आई थिंक यूनिवर्सिटी फिजिक्स इज मच बेटर, मच बेटर यूनिवर्सिटी फिजिक्स। तो वो एक बहुत बड़ी बुक है, उसके 1300 पेजेस हैं आई थिंक, उसके 43 चैप्टर्स हैं। तो वो एक जनरल फिजिक्स पे बुक है। मैंने ना, मैं चाहता था कि मैं ये बुक पढ़ूं क्योंकि उस वक्त मेरे लिए वो भी बड़ी एडवांस लेवल थी। तो अब वो पियर्सन पब्लिशर्स की बुक थी, तो अब जाहिर है मुझे पता था कि ये महंगी बुक है, ठीक है। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए बुक। उस वक्त मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ चुका था, तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी चाहिए ये बुक। तो अब लाहौर में अच्छी, एक अच्छी मार्केट है बुक्स की, गुलबर्ग में। अगर कोई रहता है लाहौर में तो गुलबर्ग में बड़ी अच्छी मार्केट है, उसे पता होगा। तो मैंने कहा यार, मेरा ना बना था सेंटर ए लेवल्स का, कैंट है, लाहौर कैंट में है, बहुत बड़ा वो है, गोल्फ कोर्स है जिसको कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, गोल्फ कोर्स है, वो ए लेवल्स का सेंटर बनता है, तो बड़ा दूर है। तो मैंने एक दफा अपने फादर को कहा कि ना मुझे ना गुलबर्ग आप ले जाना वापिस आते हुए ना, तो कहते ठीक है ले जाऊंगा मैं। तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया गुलबर्ग में। तो मैं अब बुक स्टोर्स में जा रहा हूँ, अलग अलग बुक स्टोर्स में जा रहा हूँ, मगर मुझे कहीं से बुक मिल जाए ये वाली यूनिवर्सिटी फिजिक्स, क्योंकि मेरे पास जाहिर है उसको लैपटॉप तो नहीं था, मैं पीडीएफ नहीं पढ़ सकता था। तो मैंने मिल गया। कहा मिल गई है, आखिरी बुक स्टोर में जाके मिली मुझे। और मैंने कहा कितने की है, कहता 400 की। मैंने कहा इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है। मैंने अपने फादर से कहा कि आप 400 दे दें, ऐसे कुछ करके मैं आपको आगे कुछ करके दे दूंगा ये वापस, क्योंकि 400 भी बहुत थे मेरे लिए। तो क्या कहते हैं, मैंने उन्होंने दे दिए, फिर मैं वो बुक घर ले आया और फिर मैंने वो पढ़ी, और आई थिंक 2.5 मंथ्स में मैंने वो पूरी पढ़ ली बुक। वो मैं इतनी पढ़ी थी कि एक दफा मेरे ए लेवल्स के एग्जाम्स हो रहे थे उस वक्त जब मैं वो पढ़ रहा था बुक। तो मेरा एक एग्जाम था, मैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल पेपर 3 था, उससे पहले ना मैं एक दफा ना वो बुक हैवी है बहुत, तो मेरे पास जो बुक थी वो कागज के पेजेस नहीं थे, उसके प्लास्टिक के पेजेस थे, तो वो बहुत हैवी थी बुक, 1300 पेजेस की। तो वो मैंने अपने लेफ्ट नी पे रख के पढ़ता था, और वो एक दफा मैंने इतनी ज्यादा पढ़ ली, 5 घंटे तक पढ़ी, कि मेरे ना नी खराब हो गई थी उसके बाद। आई वाह कुडंट बेंड माई नी, आई कुडंट बेंड माई नी। और इतनी ज्यादा पढ़ी कि उस वक्त मेरी दादी भी जिंदा थी, तो मैं उनके साथ, वो उधर बैठी हुई थी बेड पे, मैं इधर बैठा होता था, मैं पढ़ रहा होता था। तो अब मेरा पेपर था, तो मुझे याद है कि मैं कैसे, वो मैंने पेपर दिया था फिजिक्स पेपर 3। तो एक्सपेरिमेंट करना है, ये नहीं कि आप बैठ के आप दे रहे हो पेपर, एक्सपेरिमेंट करना है, परफॉर्म, बार बार खड़े होना है, बैठना है। तो बस जिस तरह मैंने दिया मुझे याद है, एक अगर मैं अपनी नी सीधी कर लूं तो आई कुडंट बेंड इट, और अगर मैंने बेंड करी तो फिर सीधी नहीं होती थी उसी दिन हो लेग मेरी, सकती इतना वो मुश्किल। इनर्शिया था उसके हाँ इनर्शिया आप कह सकते हैं, अंदर। गलत अच्छा इनर्शिया, अब दर्द बहुत था ओके, ये तो हो गया कि आपने वैसे। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस अंडरग्रेड किया, तो उसके बाद कैसे आप आईसीटीपी में कैसे आए, ये कहानी। अच्छा, एक मैं वो वाली बात मैं कंप्लीट कर लूं कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बुक, मैं अब हो सकता है कि मैं किसी को लगे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन वो बुक पढ़ने से पहले मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे फुल प्रूफ एप्लीकेशन न्यूटन सेकंड लॉ की नहीं आती थी, फुल प्रूफ एप्लीकेशन। यानी कि एक खुश हो, मैं एक बात कह सकता हूँ, हो सकता है कि कई लोगों को लगता हो उनको उनको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना आता है, मगर कई लोगों को हो सकता है लगे कि उनको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना आता है, एक्चुअली आपको नहीं आता। यानी कि फुल प्रूफ, इसका मतलब ये कि मैं कोई भी प्रॉब्लम दे दूं आपको, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है सही तरीके से, आई कैन बैट के सब लोगों को नहीं आता। सही। यानी कि मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वन डायमेंशन में, इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रिजिड बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि मैकेनिक्स उसके बाद मुझे जिस तरह आई है उसके पहले नहीं आती थी। वेरी यूनिवर्सिटी फिजिक्स का बहुत ज्यादा रोल है मेरी फिजिक्स की एजुकेशन में, और उसकी वजह से फिर, क्योंकि 1300 पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस बुक को पढ़ने से मेरी स्पीड भी बन गई थी। तो अंडर ग्रेड के मिडल में मुझे ये पता लगा, अब ये मेरे पास साथ भी वही हुआ था जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है, वो बड़े मोटिवेट होकर जाते हैं अंडर ग्रेड के अंदर, और वो कहते हैं यार हमने ना ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, पहले ही दिन में ये नहीं होता, ये नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो ये नहीं होगा पहले दिन में। तो मैं भी गया और मैंने वही गलत काम किया जो मैं बता रहा हूँ, कि मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की बुक उठाई, मुझे याद है मैंने लिबॉफ की बुक उठाई थी,
और रिलेटिविटी पे मुझे याद नहीं मैंने कौन सी बुक ली थी, वो मैं लेके घर आ गया लाइब्रेरी से। जब मैं घर आया मुझे पता लगा कि यार ये नहीं पढ़ सकता मैं अभी ये चीजें, क्योंकि मुझे पता लगा कि एक और चीज है जो कि पॉपुलर साइंस में नहीं बताई जाती, इसलिए मुझे भी नहीं पता थी उस वक्त, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है और उसको कहते हैं लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, इसके बगैर नहीं आप कर सकते। तो मैं ओके फिर मैं मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने टाइम लगा के पहले मैंने कैलकुलस पढ़ी, थॉमस इन्फिनी, आई थिंक एक महीने में या डेढ़ महीने में, बड़ी बुक है वो, आई थिंक 1000 pages है उसके। तो उसके बाद मैंने फिर ये पढ़नी शुरू की क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, डैनियल श्रोडर की, वो बहुत कमाल बुक है। अच्छा फिर अहम बात है ना ये है कि लोग ये भी नहीं समझते कि क्लासिकल फिजिक्स के बगैर मॉडर्न फिजिक्स नहीं समझी जा सकती। आप मतलब ये बिल्कुल ही फजूल सी बात है कि लोग ये, मुझे ये बड़ी हैरत होती है, ये स्टूडेंट्स में भी है, ये स्टूडेंट्स में भी है, मुझे पता है। तो इसमें क्या कहते हैं, अच्छा मैं कहा, मैं कह रहा था कि तो इससे मेरी आप कह सकते हैं कि आदत डेवलप हुई कि मैं वो तमाम कोर्सेज जो बीएस में पढ़ने होते हैं वो पहले से ही पढ़ लूं। तो फॉर एग्जांपल मैं आई थिंक अपने फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में, शायद सेकंड ईयर के स्टार्ट में था, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में होऊंगा, उस वक्त मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली थी, फिर उसके अलावा सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ ली थी, ये चीजें जो जरूरी कोर्सेज होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और फोर्थ सेमेस्टर में मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ रहा था फोर्थ सेमेस्टर में। तो यानी कि मैं इतना मैं डेवलप कर चुका था, यानी कि ये वो साल है, कई जब हमें कहता हूँ कि 2016 मेरी लाइफ का एक बहुत प्रोडक्टिव ईयर है, जनरल रिलेटिविटी मैंने उस साल में पढ़ी है पूरी, ठीक है। तो ये हाँ ये बहुत प्रोडक्टिव साल था 2016, 2017 में से अब तक मैं ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, पता नहीं वो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रॉमा एक 2017 में एक ट्रॉमा आया, वो अभी तक चल रहा है मेरे साथ, वो उसके बाद उतना प्रोडक्टिव कभी भी नहीं हो पाया, लेकिन 2016 वाज स्केरी प्रोडक्टिव, ये मैं कह सकता हूँ। और ये तब है जब मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था और लैपटॉप भी नहीं था, ये तब की बात है, उसके बाद फोकस करना ज्यादा मुश्किल है जब आपके पास स्मार्टफोन हो, ज्यादा मुश्किल है। ICTP में आप कैसे आए? हाँ अच्छा, ICTP जो है ना, मेरा जब लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर हाँ बीएस का, तो उसमें मैंने ना एप्लीकेशंस करनी शुरू की, और आई थिंक मैंने अपनी वीडियो जो है मेरी फील्ड एप्लीकेशन उसमें बताया भी हुआ ये कि मैंने उसमें एप्लीकेशंस करनी शुरू की बाहर के लिए। मेरे एक टीचर हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं इस वक्त, डॉक्टर महमूद अल हसन सीनियर, वो कैम्ब्रिज से PhD हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना बाहर के लिए अप्लाई करो, मुझे उन्होंने जितना वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने वो भी किया, यानी गाइड कर सकते थे। तो मैंने ना अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कैम्ब्रिज में होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक है उनका मैथमेटिकल ट्राइपॉस पार्ट 3, वो मास्टर्स की इक्वल है। तो मैंने ना मैंने उसमें अप्लाई किया एक दफा, उसमें एक दफा मैंने अप्लाई किया, नाम नहीं आया। फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, उसमें अप्लाई करना आसान नहीं है क्योंकि उसकी फीस होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अच्छा इस वक्त तक मैं ना क्या कहते हैं खुद कमाना शुरू हो चुका था, तो मैं इतनी अर्निंग कर लेता था कि फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज की जो फीस है वो एप्लीकेशन फीस, दैट इज 75 pounds, दैट्स अ लॉट। 75 pounds आप कमाते कैसे थे? सॉरी, ट्यूशन पढ़ा के या क्या? ट्यूशंस एंड एकेडमी, ट्यूशंस एंड एकेडमी। तो क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज में मैंने अप्लाई किया पहले, और दो और यूनिवर्सिटीज में गया था, एक इंपीरियल कॉलेज लंदन था और एक तो वो एडिनबरा यूनिवर्सिटी। एडिनबरा में मेरा नाम आ गया, लेकिन यूके में मैं इसलिए अप्लाई नहीं, किसी को भी रिकमेंड करूंगा, अगर यहाँ पे अब्दुल अफजाल होता वो भी यही कहता गया यूके में ना अप्लाई करें बाहर के लोग, कि यार यूके में ना आपको एडमिशन मिल भी गया ना, फंडिंग नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा मसला है, फंडिंग नहीं मिलती। तो मेरा एडिनबरा में दो दफा नाम आया हुआ है दो कंसेक्यूटिव ईयर्स में, लेकिन दोनों बार फंडिंग नहीं थी। तो खैर, तो मैंने अगले साल मैंने फिर ऑक्सफोर्ड, अगली बार मैंने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया जो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का की वजह से बड़ा मशहूर है। ओके बराबर, हां वहां पे वो भी है, पीटर हिग्स भी वहीं से हैं। पीटर हिग्स भी उनके उनके नाम की स्कॉलरशिप है, बल्कि मुझे वो कहते हैं कि मुझे चाहिए था 20,000 pounds एक साल के लिए, तो वो मुझे कहते हैं कि हिग्स स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं 5,000 pounds। मैंने कहा यार ना होने के बराबर है, और वो स्कॉलरशिप भी विन करनी थी आपने, रहने दो रहने देते हैं। तो फिर यहाँ पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद और भी जगहों पे अप्लाई किया, अमेरिका मैंने नहीं अभी शुरू किया था अप्लाई करना। तो मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था क्या कहते हैं, उनका नाम है सर राशिद नाम है उनका, हो सकता है वो भी सुने ये। उन्होंने ना मुझे कहना शुरू किया गया ना ICTP का एक होता है डिप्लोमा प्रोग्राम, उसमें अप्लाई करो।
अब हमारे मुल्क में ना लव्स डिप्लोमा इतना कोई अच्छा नहीं है, समझते हैं लोअर डिग्री है, लोअर डिग्री है ऐसे समझते हैं। लेकिन डिप्लोमा भी आईसीडीपी उसको इसलिए कहता है क्योंकि आईसीडीपी अभी ना एक वो नहीं बना, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना है अभी, कोशिश कर रहे हैं ये लोग लेकिन अभी बना नहीं है, तो वो इसको ना मास्टर्स नहीं कह सकते। आईसीटीपी का डिप्लोमा इज एज गुड एज मास्टर्स इन फिजिक्स। हमारे यहाँ पे एक बड़े टैलेंटेड इंडियन फिजिसिस्ट थे यहाँ पे आईसीटीपी में, बहुत टैलेंटेड, कुछ लोग उनके बारे में कहते हैं कि ही विल बी अ बिग साइंटिस्ट इन फ्यूचर। उनका नाम है अर्नब रुद्रा, ठीक है, वो कैम्ब्रिज से पीएचडी हैं और दो पोस्ट डॉक वो कर चुके हैं, आईसीटीपी से भी वो कर रहे थे आई थिंक। तो वो हम ना जब नए नए आए थे ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हाई एनर्जी का जो होता है सेक्शन वो करता है डिनर अरेंज करता है स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें वो भी आए थे अर्नब। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना कैम्ब्रिज का मैथमेटिकल ट्राइपोस पार्ट थ्री, जाहिर है उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी अगर की हुई है तो उन्होंने वो वाला भी किया होगा और ट्राइपोस पार्ट थ्री भी किया होगा, फिर उन्होंने पीएचडी की होगी। तो वो कहते हैं कि आईसीडीपी का डिप्लोमा इज मोर कंपेरेटिव इन दैट। अच्छा, यानी कि एक तरह से मैं जिसके लिए अप्लाई कर रहा था कैम्ब्रिज में उससे बेहतर जगह मुझे मिल गया अभी, कह सकते हैं आईसीडीपी। तो कब आया आप इसमें? मैं आया था इसमें सितंबर 2019 में, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि अच्छा इसमें एक और बात भी है जो कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप आगे आना चाहते हैं। मैं जब यहाँ पे आया था ना, उससे पहले की मैं बात बताऊंगा, तो मेरे एक टीचर सर राशिद है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे अप्लाई करो, और वो पुश करते रहे कि करो अप्लाई, कुछ नहीं होता, करो जाओ। ये वो टाइम है जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे बाबरा टाउन में, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि अब अभी हम शिफ्ट हुए थे नए नए बाबरा टाउन में, तो उसका रेंट जो है ना हाउस का वो मैं देता था, ठीक है, और रेंट भी कितना होगा 25 लाहौर में, लाहौर, तो उसका रेंट जो था वो कितना होगा 25-30 होगा शायद, याद नहीं। तो अब 25-30,000 आज कुछ भी नहीं लगते, लेकिन उस वक्त वो थे मेरे लिए बहुत। तो क्या कहते हैं 30,000, तो अब वो मैं क्या कहते हैं जब अर्न करता था, मैं पे करता था रेंट। तो एक दफा ना हमारे एक और टीचर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो थोड़े से ना क्या कहते हैं लोग डरते हैं उनसे क्योंकि उनका कोर्स बड़ा मुश्किल है, वो मैथमेटिकल मेथड्स का कोर्स है उनका, उनका नाम है सर उस्मान सलीम, ठीक है। उन्होंने ना उनकी सिर्फ एक दफा बात हुई मेरे से इस चीज पे, उन्होंने मुझे कहा अपना मेरे साथ आओ जरा, मैं आपसे एक बात करनी है। वो मुझे अपने रूम में लेके गए, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही जो मुझे याद है कि ये जो आप प्रॉब्लम आज कह रहे हो ना कि आपके जाने में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप चले गए तो रेंट कौन देगा, ये इतनी छोटी प्रॉब्लम है कि आप सोचोगे भी नहीं इसके बारे में फ्यूचर में। लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो खैर उन्होंने बस एक बार ही बात की, फिर सर राशिद मेरे से बात करते रहे बार बार कि तुम जाओ ये चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। मैं चला गया और आज मैं शायद मैंने पता ही कब सोचा था लास्ट बार रेंट के बारे में, बिकॉज मेरा छोटा भाई जो है जैसे आपको बताया प्रोग्रामर है, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि वो रेंट तो कोई मसला ही नहीं है उसकी, वो इजीली। ये सारी चीजें वैसे भी जो है ना आपको वक्ती तौर पे बहुत बड़ी लगती है, हाँ, लेकिन exactly. मैं आपको एक छोटी सी उसकी मिसाल देता हूँ। पर एक मैं बात कर दूं फॉर एग्जांपल आजकल मैं इतना स्ट्रेस्ड हूं आउट हूं कि मेरा यूएस का वीजा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में ये बात बहुत छोटी लगेगी मुझे, लेकिन हैवी स्ट्रेस ले रहा हूं मैं इस चीज का। राइट, उसकी वजह ये होती है कि एक बुजुर्ग थे हमारे क्लासिकल मिस्टिसिज्म सूफीज्म की बात है कि वो देख रहे थे एक शहद की मक्खी है जो खिड़की खुली हुई है नीचे से, लेकिन वो खिड़की उसको जो है ना विंडो को मार रही है, जोर मार रही है कि मैंने किसी तरीके से इससे निकलना। तो वो उसको कहते हैं बुजुर्ग तू अगर थोड़ी सी नीचे हो जा पूरी दुनिया तेरे आगे खुली हुई है। राइट, एग्जैक्टली। तो आपको करना यही होता है कि ऐसी वक्त में अपने आप को थोड़ा सा लोअर कर लो, कोई बात नहीं, सबर करो, विद अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस यू विल सी द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन। Right? कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और हमारी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। मैं अब उनको मैं कहूँ ना कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो वो यकीन नहीं करते, तो आई डोंट ब्लेम देम। एक वक्त था कि मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन ये हो जाती है खत्म। बस अगर आप खुद अपनी हालत चेंज करना चाहो, कभी आपको टाइम मिला ना तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, तो देन यू विल बिलीव के बिल्कुल। मैं बेसिकली आपको ऐसा बता दूं, आपने तो बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़ा, मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा हूँ जहाँ पर हमें अपना टाट लेके स्कूल जाना पड़ता था,
बिछा कर बैठ कर, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, कभी फिर कभी बताएंगे। हाँ, तो आप सितंबर 2019 में आईसीटीपी में आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आईसीटीपी में अब आपका डिप्लोमा खत्म हो गया है या होने वाला है? बहुत टाइम हो चुका है, अगस्त में हो चुका था खत्म। मुझे सिर्फ एक्सटेंशन अभी मिली हुई है, तो मैं यूएस के वीजा का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कल ईमेल भेजी है कि पहले वो मुझे उन्होंने मेरे साथ पासपोर्ट ले लिया, और अब उन्होंने ईमेल भेजी है कि एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग चाहिए। मैं तो पासपोर्ट दे दो ताकि मैं एक्सटेंशन ले सकूं यहाँ पे। अब ये जीप उन्होंने काम किया, पता नहीं देखते हैं। तो अब आप इस स्टेज में हैं कि आपका, मैं मुझे तो पता है लेकिन मैं मेंबर्स के लिए एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अमेरिका में आपका किस चीज में एडमिशन हुआ है, कहाँ पर एडमिशन है अमेरिका में? अमेरिका में एक ईस्ट कोस्ट पे स्टेट है न्यूयॉर्क, ठीक है, वो स्टेट है, वो कुछ लोगों को शहर का पता होता है, स्टेट है, और उसका जो कैपिटल है एल्बनी, एल्बनी वहां पे एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, न्यूयॉर्क स्टेट जो है उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक यूनिवर्सिटियों का एक जार है जिसका नाम है सुनी, सुनी है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। उसकी ब्रांचेज है डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी मशहूर ब्रांच जो है वो उसकी स्टोनी ब्रुक में है, लेकिन मेरा जहाँ पे हुआ है वो एल्बनी में है। एल्बनी जो है न्यूयॉर्क कैपिटल है, तो वहां पे मेरा एडमिशन है पीएचडी में। तो न्यूयॉर्क स्टेट का सबसे बड़ा शहर इज न्यूयॉर्क सिटी, तो उसका जो कैपिटल है वो एल्बनी है, तो उसमें हाँ आपका एडमिशन हुआ है पीएचडी के लिए। जी, तो जी। वो कब शुरू हो रहा है या इट्स ऑल आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया? चुका है, शुरू हो चुका है। एक मैंने कल मैंने फाइनल एग्जाम दिया है पहले सेमेस्टर। अच्छा अच्छा, तो एक सेमेस्टर तो हो चुका है। तो अभी आप इंशाल्लाह ताला जनवरी में आप आएंगे अमेरिका समथिंग क्या? हाँ, वीजा बस आ जाए, क्योंकि जनवरी में ही आना है मैंने, क्योंकि मेरा जो अगला सेमेस्टर है वो स्टार्ट तो हो रहा है फरवरी 1 से, लेकिन उससे पहले 1 वीक की ओरिएंटेशन है, वो स्टार्ट होनी है 24 जनवरी से, तो मुझे आना पड़ेगा। अब जब आप आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने न्यूयॉर्क सिटी से एल्बनी तक ड्राइव की हुई है बड़ी दफा। एल्बनी और ये एरिया इन मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द मोस्ट beautiful, pretty areas in entire North America. बहुत खूबसूरत जगह है। आप बहुत enjoy करोगे इसको। बहुत enjoy करोगे इसको। It's very beautiful. मुझे Times Square देखने की बड़ी ख्वाहिश है। हाँ, Times Square तो खैर है ही है। उसका तो New York City को मैं कहता हूँ the concrete jungle. लेकिन अगर आप New York City को cross कर जाएं towards North जाएं Albany, तो nature बहुत ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत। लेक है, लेक जॉर्ज। अच्छा, तो मैं एक दो दफा जब गया हूँ न्यूयॉर्क, तो मैं सारी फैमिली को लेकर ना हम वहाँ जाते हैं, एक रात गुजारते हैं, बोट लेते हैं, सारा सफर करते हैं। उसकी साइट पर एक कैफे मैंने देखा, उसका नाम था अलफ कैफे। अलफ कैफे, ठीक। वो किसी पाकिस्तानी ने ओन करता है। तो ये बात अच्छी है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप हमने ना बोर्ड के ऊपर डिफरेंट उर्दू में और इंग्लिश में चीजें लिखी, उन्होंने मुझे कहा जी आप भी कुछ लिखते हैं। तो मैंने अच्छा। वहां पर एक तो उर्दू की पोएट्री लिखी, तो अभी भी है वहां। तो इट्स ब्यूटीफुल, आप तो अच्छा। बहुत एंजॉय करोगे उसको। तो पोएट्री में मेरा इंटरेस्ट बहुत रिसेंट है, पहले मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था पोएट्री में, रिसेंटली मुझे इंटरेस्ट होना शुरू हुआ पोएट्री में, उर्दू पोएट्री। अच्छा, मेरा बड़ा डीप ये आइडिया है, ख्याल है कि आर्ट, पोएट्री, लिटरेचर और फिजिक्स ये बहुत डिफरेंट चीजें लगती हैं, लेकिन अगर आप गौर से बहुत डीपली सोचें तो फिजिक्स का पर्पस क्या है कि बहुत थोड़े अल्फाज में ऐसी इक्वेशन लिखना जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करे। पोएट्री में भी, पोएट्री का भी तो यही ऑब्जेक्टिव होता है। सो वी हैव 10 मिनट्स। हां, कोई बात। तो ठीक है, ओके। So one couple of questions that I want to ask before इसको खत्म करें। तो अहम questions में ये है कि आप science को popularize करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, right? So आपकी जो contribution है सब specially science की दुनिया के लिए, जो आप videos बनाते हो या अपनी videos, उस पर मैं उस पर differentiate नहीं करता हूँ, लेकिन आप क्योंकि science की दुनिया एक platform provide करती है जिसमें आपकी बहुत बड़ी contribution है, तो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। कोई बात नहीं, माय प्लेजर। सेकंड, राइट, सो जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप साइंस करते हो और लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे बिकॉज ऑफ
आपकी एक्सपर्टीज। तो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, और कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे आप इरिटेट होते हो? या आई थिंक 10 मिनट बहुत कम है इसके लिए लेकिन हमारे पास 10 मिनट ही है तो उसमें चले देखते हैं। आई थिंक कई लोग जो हैं, अच्छा एक बात तो ये है कि साइंस की दुनिया जो है ना, उसमें जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त मैं जिस तरह का इंसान था और आज जिस तरह का इंसान हूँ, बहुत डिफरेंट है, डिफरेंस है उसके अंदर। शुरू में मैं बहुत और गुस्से में आ जाता था कई दफा कि यार ये लोग कितने इलॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन आज ज्यादा तहम्मुल है मेरे अंदर, मैं ये कह सकता हूँ, मैं आदत हो गई एक तरह से भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि सपोज करते हैं हम एक मेडिकल स्टोर जाते हैं, राइट, और आपको ना दो वो दिखाई जाती हैं दवाइयाँ जो कि आपकी बीमारी ठीक कर देंगी, ठीक है, और आप अच्छा आपने क्वेश्चन जो आपने डिसीजन ये लेना है कि कौन सी दवाई बेहतर है, तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम वो जज करने के लिए कि कौन सी दवाई बेहतर है? वेल एक क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हो कि कौन सी कंपनीज की दवाई है ये, कौन से डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल या कौन से केमिस्ट ने बनाई है ये दवाई, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैटर करता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, वो अलग बात है। तो अब सपोज करो कि सेम सॉल्ट है, डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन अब ये हो सकता है कि आप जो कंपनी कौन सी है, ठीक है, ये पूछ सकते हो, या किस केमिस्ट ने बनाई है फॉर एग्जांपल, जिसकी रेपुटेशन बेहतर होगी, जिसकी क्वालिफिकेशन बेहतर होगी, जिसकी, ठीक है ना, ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग इस चीज में, अब उसकी दवाई ले लोगे, सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि इनमें से कौन सा मुसलमान है, इट डजंट मैटर, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको दीन नहीं बेच रहा वहां पे, वो आपको दवाई बेच रहा है, उसकी सिर्फ मेडिसिन में कॉम्पिटेंसी मैटर करती है, ठीक है। अच्छा अब अगर सपोज करो कि आपको इंसान आपको आके बता रहा है कि वेल के इस वक्त हाई एनर्जी फिजिक्स में क्या हो रहा है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मुसलमान है या नहीं, सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि आप ये पूछोगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये कितना पढ़ा हुआ या पढ़ी हुई है, ये पूछोगे। अब वैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, लेकिन आप इट डजंट मैटर कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ लेकिन मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी और मैं आके हाई एनर्जी फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एम रॉन्ग एज हेल, सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मुसलमान होना मैटर नहीं करता। हाँ वैसे मैं हूँ मुसलमान, लेकिन लोग जब मैं कोई बात करूँ फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के बारे में, वो पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं, आप बिलीव करते हो कि इस्लाम सही है या नहीं, तो यह इससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि वैसे मैं हूँ, बहुत पूछते हैं लोग फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं हूँ वैसे मुसलमान, लेकिन सपोज करो मैं ना होता तो क्या कहते हैं, सिर्फ मेरा मुसलमान ना होना ये बात इम्प्लाई करता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो गलत है, नहीं या सही है, हो सकता है, यहाँ बिल्कुल। वैसे हमारी साइंस की दुनिया के जितने एडमिन और मॉडरेटर्स हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनमें से मैं कुछ का बता सकता हूँ कि उनकी रिलीजन के ऊपर स्टडी, जो लोग हमारे साइंस की दुनिया ग्रुप में बात कर रहे हैं उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग स्टडीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और सपोज अब देखें मैं एक बात थोड़ी सी बता दूं, आप फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि आप उनकी बात कर रहे हैं जिनकी रिलीजियस स्टडीज बहुत ज्यादा है, वो तो खैर उनकी स्टडीज तो हैं ही, कई दफा साइंस की दुनिया में लोग रिलीजन पर बात करते हैं और उनका रिलीजन का नॉलेज लाफेबल होता है लिटरली। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे फॉर एग्जाम्पल सूरह यासीन पूरी याद है, तो मुझे पता है कि सूरह यासीन में क्या क्या है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसने एक दफा कमेंट किया कि सूरह रहमान में ये लिखा हुआ है के जो वो है सूरज चांद सितारे, ये लोग ये गर्दिश करते हैं अपने मदार में तैर रहे हैं, और एक और जगह यानी कि जहां सूरज यहाँ ये लिखा हुआ है, इसके एक और जगह, इससे एक और जगह है जहां पे ये लिखा हुआ है कि ना सूरज चांद को पकड़ सकता है और ना चांद सूरज को। अब ये कितनी गलत है आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें, पहली बात तो ये सूरह यासीन में है, ठीक है, और ये एक ही आयत में है, आयत वो आपको बता सकता हूँ, ला शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा वला लैलु साबिकुन नहार वकुल नफी फलकी यस्मऊन। अब देखो उनका रिलीजियस नॉलेज कितना गलत है, ठीक है ना, तो मैं जो कि बिल्कुल रिलीजियस स्टडीज नहीं करता, ये सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है कि आपको रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप साइंस से वो चीज निकाल रहे हो जो इवेंचुअली आपको दोबारा गिरा देगी नीचे, क्योंकि आप बिल्कुल ही बात गलत कर रहे हो, सही, यानी कि अगर आप कहना चाहते हो कि मैं
पहली बात तो यह है कि रिलीजन जो है उसको रिफ्यूट नहीं करती साइंस, वो आपका पर्सनल बिलीफ है, ठीक है। बट अगर आप सपोज करो कि आप कहते हो कि मैं रिलीजन को यूज करूंगा साइंस पे हमला करने के लिए, वैसे इस अप्रोच से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन सपोज करो अगर आप रिलीजन को यूज कर रहे हो हमला करने के लिए, एयर कोर्ट्स में हमला करने के लिए, तो एटलीस्ट रिलीजियस नॉलेज आपके पास होना चाहिए ना। अगर आपका रिलीजियस नॉलेज भी गलत है तो फिर हमारे जो एथियस्ट में और जो इस तरह के लोग हैं उनमें ऐसे लोग भी हैं जो साइंस को यूज करके रिलीजन पे भी हमला करते हैं, राइट? मैं उनका भी मुखालिफ हूं, आई डोंट लाइक दैट ईदर। हाँ, उस पे आई थिंक ज्यादा बेहतर बंदा जो है वो अब्दुल अफजल है बात करने के लिए, उसको बहुत नॉलेज है इन चीजों पे। लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सपोज करो रिलीजन को यूज कर रहे हो साइंस पर हमला करने के लिए या साइंस को काउंटर करने के लिए, तो एटलीस्ट अपना रिलीजियस नॉलेज अच्छा रखो। देखो मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बता सकता हूँ कि कम ऑन यार, ये दोनों बातें एक ही आयत में लिखी हुई हैं, इतनी मशहूर आयत। अच्छा, आपको अगर ये नहीं, आपको ज्यादातर लोग फिर रिलीजन का पूछते हैं, तो दैट इज द क्वेश्चन दैट इरिटेट्स। हाँ, यानी कि एक तो ये ना कि सपोज करो कि आपसे वैसे ही कोई पूछ ले कि यार आप बिलीव करते हो, कहते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, ठीक है मैं हूँ मुसलमान, मैं करता हूँ, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चन मेरे किसी एक्सप्लेनेशन के जवाब में कर रहे हो तो दैट्स रिडिकुलस। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप ये उसके बारे में पूछने के बारे में ये कह रहे हो कि क्या मैं मुसलमान हूँ या नहीं, ये तो बहुत अजीब बात है। मैं एक आपसे बड़ी डीप फिलोसॉफिकल बात करता हूँ। हाँ जी, दिस इज वेयर आई बिलीव इन एंड दिस इज टोटली माय बिलीफ। साइंस की जो बेसिस है ना वो है स्केप्टिसिज्म पर, राइट? कि आप जो भी कह रहे हो, लेट मी फॉल्सिफाई इट, लेट मी प्रूव के हाउ कैन इट बी, कैन आई कंस्ट्रक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। ओके, आई डिड दैट एंड इट केम आउट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, सो आई बिलीव इट। इसकी एसेंस ही स्केप्टिसिज्म पर, राइट? जो रिलीजन है उसकी एसेंस ही यकीन पर है, ईमान पर है, बगैर देखे पर यकीन। ये दोनों चीजें आप उससे ये कैसे चीज साबित कर सकते हैं? दैट मेक्स नो सेंस टू मी, राइट? इन एसेंस एक बिल्कुल एरिक, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल एक आयत देते हैं कुरान की, जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो लोग जो अल्लाह से बगैर देखे डरते हैं, तो जो बगैर देखे वाला पार्ट है ये बहुत जरूरी है। सपोज करो कि एक प्रूफ आ जाए, अनडिनाइबल प्रूफ, प्रूफ से मेरा मतलब है कि हर इंसान कन्विंस हो जाए उस प्रूफ से कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये जो टेस्ट है कि आपने बगैर देखे मानना है अल्लाह को, तो ये टेस्ट खत्म हो गया, राइट? तो हाँ, तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ऐसा प्रूफ कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, ये तो अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे ये रिलीजियस बात शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपना जो मेरा सफर है मैं उसमें ये बता सकता हूँ कि अगर आप वाकई निकलते हो एक तरह से गॉड को तलाश करने के रास्ते में, गॉड आपको दिखा देगा कि वो है, ठीक है? लेकिन वो प्रूफ ये आपके साथ, हाँ एग्जैक्टली आपके लिए होगा, यानी कि मुझे पता है कि अगर जो चीजें मेरे साथ हुई हैं जिनकी बिना पे मैं समझता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट करता है, वो अगर मैं किसी को एथियस को बताऊं वो कभी भी नहीं मानेगा। हर बंदे का सफर अलग है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज अ यूज़लेस कन्वर्सेशन, दैट और ये रीजन है कि मैं इस कन्वर्सेशन पे कभी इन्वॉल्व भी नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्टली रिलीजन मेरे लिए जिस तरीके से मैं उसको व्यू करता हूँ, मैं जैसे देखता हूँ, वो मेरे लिए है, आपके लिए द वे आई यू सी इट इस तरीके से, बाकी किसी के लिए भी वो वैसे ही हो सकता है और उसको वैसे ही रहना चाहिए। इन दोनों को बीच में लाकर आप गंद करते हैं और उससे मजीद चीजें गलत होती हैं। दैट इज व्हाई हम साइंस की दुनिया में यहाँ पे एक मैं बात कर सकता हूँ और आई थिंक वो काफी लोगों के लिए हो सकता है कि बड़ी यूजफुल हो बात, यानी कि एक दफा ये मुझे ना बात, ये मैंने आर्गुमेंट तब बनाना शुरू किया था, एक दफा मैं अपनी मदर के साथ सहन में, हमारा जहाँ घर था एक सहन में लेटा हुआ था, और मुझे नया नया अभी, हाँ बस ठीक है, मुझे नया नया पता लगा था कि स्टार्स शाइन क्यों करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब वैसे मैंने अपनी मदर से पूछा कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं, उन्होंने कहा अल्लाह करता है। मैंने कहा वो तो हमें पता है कि कैसे कर रहे हैं, मैंने कहा बस अल्लाह करता है। मैंने कहा तेरी ये बात सही है, इस पे मेरा बिलीफ है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये कर दूं, मैं कोशिश करूंगा 3 मिनट में खत्म कर सकूं, कि ये बात जो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मुसलमान साइंटिस्ट हो तो आप क्या कर रहे हो? वेल, मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि इस्लाम की एक वो है
फिलोसफी है, उसका नाम ये है कि ये जो दुनिया है ये असबाब की दुनिया है, यानी कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। जब अल्लाह ने कोई काम करना होता है तो वो उस काम के होने के कॉजेस पैदा कर देता है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ मुसलमान साइंटिस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जब कोई काम करना होता है, एक पर्टिकुलर काम करने के कौन से कॉजेज वो पैदा करता है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर, और अब एक एथियस्ट क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो तो एग्जिस्ट, वो इस पर बिलीव नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो वो कहते हैं कि बस हमें कॉजेस समझने हैं, वो ये पार्ट काट देता है बीच में से कि ये कॉज जो है क्रिएटर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से जो एम है, एम के एक एथियस्ट साइंटिस्ट का और एक मुसलमान साइंटिस्ट का, वो सेम है, motivations different है, यानी कि एथियस्ट जो कहता है मैं यूनिवर्स की जरूरत को समझ, हाँ, तो ऑन द टेबल जब आप मोटिवेशन, किसी का ये भी हो सकता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ आसमान के नीचे बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा फाइंड करो कि सितारे कैसे, राइट, मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, दैट्स अ पर्सनल थिंग। एग्जैक्टली, तो अगर आप एक मुस्लिम साइंटिस्ट हो तो देखो मैं कभी भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहूंगा कि सितारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि अल्लाह करता है। अगर आप सपोज करो मुसलमानों में बैठे हुए हो तो ठीक है, वो सब कहेंगे कि हाँ हमें पता है कि अल्लाह करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह कौन से असबाब पैदा करता है कि स्टार्स शाइन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। या एक छोटी सी बात करते हैं, आप कह रहे हैं ना कि जो मोटिवेशन अलग हो सकती है, एक मैं वैसे रेफरेंस देता हूँ, एक ना बड़े मशहूर साइंटिस्ट आई थिंक कनेक्टिकट में होते हैं, वो उसका नाम है रोनाल्ड मेलेट, ठीक है, ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट जो कि टाइम ट्रेवल पे बहुत काम करते हैं। उनका ओरिजिनल मोटिवेशन जो थी ना टाइम ट्रेवल पे काम करने की, वो ये थी कि उनके फादर की डेथ हो गई थी जब ही वाज 12, और वो कहते हैं कि मेरा टाइम मशीन, उन्होंने उस वक्त ये कहा था मैं टाइम मशीन बना के ना फादर को वापस लाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली उनकी मोटिवेशन आज बदल चुकी होगी, व्हाटएवर इट इज, ऐसी मोटिवेशन भी हो सकती है। अच्छा हसन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, बल्कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आपका इंटरव्यू करूं, तो थैंक यू वेरी मच। I wish we had more time. Welcome. लेकिन जो भी है, that's it. Thank you. चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। Thank you. Allah Hafiz. Okay. खुदा हाफिज़।